क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई बैड न्यूज के साथ वापस। तो आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कल बहुत सारी न्यूज आई थी कि आज ये अपना पबजी मोबाइल बैन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग का चल रहा है और कुछ लोग का बैन हो चुका है। जैसा कि आप मेरा अकाउंट देख सकते हो कि सर्वर इज़ बिजी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड रेस्टिकेट एरिया। तो मेरा फाइनली पबजी बैन हो गया है, और जिसका भी बैन हुआ है तो यार कुछ उपाय करते हैं हम इसको चलाने का। तो खैर देख सकते हो, प्लीज़ वेट वगैरह वगैरह 3 4 5 मिनट का टाइम मांग रहा है, जो कि नहीं होने वाला। तो हम कुछ और करके ट्राई करते हैं कि क्या पता मतलब आप चल जाए पबजी अपना। तो खैर उसके बाद मैं ये मेरा चालू ओपन नहीं होता है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई सा वीपीएन ट्राई करते हैं। तो इसको हटाता हूँ पहले, मैं चलते हैं अपने वीपीएन वाले ऐप में और वहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और सिंगापुर को सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं मतलब वीपीएन कनेक्ट करके कि कुछ वर्क करता है कि नहीं करता है। तो हमारा मतलब वीपीएन कनेक्ट हो चुका है और मैं दिखा देता हूँ आपको, ऊपर देख लो वीपीएन लिखा हुआ है ऊपर, तो वीपीएन कनेक्ट है हमारा। और हम करते हैं मतलब अब पबजी मोबाइल को ओपन कि चालू होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि आपको वीपीएन कनेक्ट है, तो आप कहीं क्या पता गलत मत सोचना। तो खैर देखते चालू करके कि क्या अपना चलता है पबजी मोबाइल की नहीं चलता है। यार बहुत दुख हो रहा है, मतलब पबजी मोबाइल बैन हो गया अपना। तो खैर अभी तो लोडिंग हो रहा है और हाँ, तो फिर से प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया, तो खैर चालू शायद नहीं होगा वीपीएन से भी। और मतलब कुछ अब ट्राई करके देखते हैं कि क्या पता चालू हो जाए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट करता हूँ कि चालू हो जाए और वीपीएन भी अपना कनेक्ट है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ना वीपीएन से हो रहा था ना जियो के नेट से हो रहा था, मेरा जियो का नेट है तो मेरे दोस्त के पास एक एयरटेल का सिम था, तो उससे मैं कनेक्ट करता हूँ हॉटस्पॉट ऑन करवा के कि क्या पता एयरटेल में चल जाए। तो कनेक्ट हो चुका अपना रेडमी नोट 4 से, और फिर हम चलते मतलब पबजी को ऑन करते और देखते मतलब क्या सीन है इसका। तो भी हो रहा है पबजी ऑन, तो पबजी को ऑन होने देते हैं पहले। और तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब हॉटस्पॉट से भी ऑन नहीं हो रहा, तो मतलब हम क्या करें कि मतलब अपना पबजी मोबाइल चल जाए मतलब किसी तरह से। तो इससे भी नहीं होता, अब मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था तो वीपीएन मेरा डिसकनेक्ट हो गया था, तो इस बार मैं वीपीएन और वाईफाई दोनों ही कनेक्ट करके देखने वाला हूँ। तो पहले कनेक्ट करते हैं। तो देख लो ऊपर, जैसा कि मैं कनेक्ट कर चुका हूँ वीपीएन प्लस वाईफाई जो भी हॉटस्पॉट था। तो अब देखते हैं कि अपना क्या पबजी ऑन होता है कि नहीं होता है। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फाइनली यार पबजी तो ओपन हो गया, और देखते हैं मतलब चलता है कि नहीं चलता है, कुछ दिक्कत आता है कि नहीं आता। तो जैसा कि देख सकते हो कि अपना पबजी ओपन हो गया, मतलब काफ़ी दिमाग लगाने के बाद। तो ठीक है सब, अभी तो फ़िलहाल के लिए तो मैं कुछ गेम प्ले रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि आपको कुछ एंटरटेन मिलते रहे, कुछ पुरानी यादें रहे आपके साथ। तो बस आप अगर आपका नहीं ओपन हो रहा तो आप इस तरह से कुछ ट्राई करके देख सकते हो, अगर एक बार आपका ओपन हो गया तो आप अपने नेट से भी खेल सकते हो। तो यार बस कुछ इन्फॉर्मेशन यही सब था, तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो अब देखते हैं कि हम कौन सा गेम खेल सकते हैं, फ़िलहाल तो फौजी आने वाला है, तो देखते हैं मतलब क्या होता है और सबका बैन होता है कि नहीं होता है, तो रात तक पता चल ही जाएगा। और आप बहुत सारी न्यूज़ भी देख ही रहे होगे यूट्यूब पे कि पबजी बैन हो गया, उसका इंडियन वर्जन आने वाला है।